जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आजाद फिजिकल एकेडमी इलाहाबाद झलवा। आप लोगों को बहुत खुशी की बात है, आज मैं अपनी एकेडमी से इतना मैं खुश हूँ कि इतना मैं कभी खुश नहीं होता। आज हमारे 5 जो 4 दरोगा में सेलेक्ट हो गए हैं और 1 अपना आर्मी में लद्दाख में क्लर्क में हो गया है और दूसरा फायर ब्रिगेड में हो गया। वही लड़का 2 जगह सेलेक्ट हुआ, ये लड़का है आपके सामने, ये अंकुर यादव, ये 2 जगह सेलेक्ट हुआ है। एक तो लद्दाख में हुआ है अब क्लर्क में और दूसरा फायर ब्रिगेड में, ये आपके सामने है। और ये 4 गर्ल्स है, थोड़ा कैमरा मैन इधर आइए, ये 4 गर्ल्स है जो दरोगा में ये क्वालिफाई कर गए, इनका रिटर्न हो गया है और इनका फिजिकल भी हो गया है। ये अभी आपके सामने इनका मैं इनको हम माला से स्वागत करेंगे, माना पहना कर, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बहुत खुशी होगी कि आज हमारी एकेडमी से 4 गर्ल्स क्वालिफाइड कर गई हैं और इनका अभी बाकी है सिर्फ मेडिकल, मेडिकल इनका क्लियर हो जाएगा, ये अपनी ज्वाइन कर लेंगे। आपका एडमिट कार्ड कहाँ है दिखाइए, इनका देखिए, इनका एडमिट कार्ड, ये दोनों जगह का एडमिट कार्ड है, ये इनका दोनों एडमिट कार्ड है, एक है क्लर्क का दूसरा है फायर ब्रिगेड का। ये पकड़िए, अभी आपके सामने मैं इनको मतलब कि माला से पहना कर इनकी स्वागत करेंगे, तो लाइए रुक जाइए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी भर्ती नहीं हो रही है और आप उसी पे आप जिस ट्रैक पर प्रैक्टिस करते हैं उसी पे आपको निरंतर प्रयास करना है। मेरे गुरु जी एक ही बात बोले थे कि आपके अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप काफ़ी परेशान हैं, तो आप ज़्यादा दिक्कत नहीं करिएगा, आपको उसी पे अपना मेहनत करिए रहेगा, एक दिन आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो मेरे सर एक शायरी बोलते थे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो साथियों हमने एक नहीं 5 सिलेक्शन दिया है, अभी 3 महीना हुआ है एकेडमी खोले हुए, आपके सामने ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन बोलता है एकेडमी बहुत है, इससे मैंने दिक्कत नहीं मुझे कि सिलेक्शन नहीं बोलता। सिलेक्शन अगर जहाँ पे सिलेक्शन अगर आप सिलेक्शन दे रहे हैं तो आपके पास 100% लड़के आएंगे। मैंने 3 महीना हुआ एकेडमी खोले, एक नहीं 5 सिलेक्शन दिया हूँ, आर्मी क्लर्क में दिया हूँ और आर्मी फायरमैन में दिया हूँ। ऑफलाइन भर्ती थी, आप सबको पता है लद्दाख में भर्ती चल रही थी, तो सबको पता है। ये देखिए सबसे आपको माला पहना के सबसे बताऊँगा किस प्रकार यहाँ पर प्रैक्टिस की है और कैसा हम यहाँ का व्यवहार था, सबको आपको बताएंगे। और अगर आपको कैप्टन आजाद फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आइए, ये मिताली है, बहुत शाबाश। जाइए जल्दी जाइए, पहले जब आती थी तो यहाँ पे कैसे बोलते थे मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आज हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कोई दिक्कत तैयारी में? तैयारी अच्छी थी ना? यस सर, फुल कॉन्फिडेंस था ना कि मैंने भर्ती मारूंगी, है ना? आने के पहले तो नहीं था लेकिन आने के बाद चल रहा, ठीक है। अंकुर यादव आप बताइए थोड़ा सा कुछ बारे में बताइए, आइए। मुझे अकेडमी में ज्वाइन हुआ 1 महीना और मैंने इस एकेडमी में बहुत लाभ मिला, कैप्टन आजाद ने मुझे मंजी सर का बहुत सपोर्ट मिला और यहाँ पर जितने भाई बंधु थे उनका बहुत सपोर्ट मिला और मनोहर भाई थे मुझको बोलते थे तुम कर लोगे और मैं कर भी करके दिखा भी दिया। मैं उतनी दूर से आता था 8 किलोमीटर तक मिला के और यहाँ मेहनत किया, अपना स्टडी भी किया, पढ़ाई भी किया, टाइपिंग भी किया। वहाँ क्लर्क में बंदे थे 1500 जिसमें टाइपिंग में पास हुए थे 150, फिर टाइपिंग पास होने के बाद मेरी लिस्ट में पेपर आए बंदे 80 होने के बाद फिर मेरी लिस्ट दोबारा बनी तो उसमें 23 सीट थी क्लर्क में, तो 23 हमारा नाम आया जनरल कैटेगरी में। ओके, थोड़ा सा आइए दरोगा साहब लोगों से थोड़ा सा बताइए, अपना विचार बताइए।
सर पहले तो हमारी भी तैयारी कम अच्छी थी बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन एकेडमी आने के बाद सर ने इतनी मेहनत की और खुद की भी थोड़ी बहुत मेहनत, उसके बाद फिर रनिंग निकल गई। इसके लिए एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं अदा करना चाहूँगी। मिताली आप बताइए कुछ बोलो। सर जब यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल भी नहीं लगता था रनिंग कर पाएंगे, लेकिन सर के सपोर्ट से हो गई बस इतना ही। ये अपना क्या बोलते हैं आरती, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सी आवाज़। हाँ बोलिए सर। एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। सर इस एकेडमी के आने के बाद मेरा टाइम बहुत अच्छा हो गया और यहाँ आने की वजह से ही मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो सका है। हाँ ये बहुत आप लोगों पहले भी वीडियो पर इनको देखा होगा, बहुत इनका अच्छा है। आप बताइए कुछ एकेडमी के बारे में। जी सर मैं तो यही बताना चाहूँगी सर, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ गिनने हुए मैंने 10 दिन प्रैक्टिस किया हुआ है और मैं जब यहाँ आई थी मेरा 18 मिनट आता था, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊँगी, बट यहाँ पे जो सपोर्ट मिला और जो मेहनत कराई गई है उसके वजह से मैंने 10 दिन में जो है फिजिकल क्वालिफाई किया अपना, तो मैं इस एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये हमारे जवान हैं जो अभी मतलब कि कर रहे हैं, अभी आगे जो वीडियो हमारे देख रहे हैं मैं ये बोलूँगा ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना, और बहुत अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, जय हिंद।